आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। आज के इस अंक में लीजिए सुनिए सन 2023 में शामिल संस्कृत भाषा की कविता। कवि हैं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे। राष्ट्र के मान अभिमान और स्वाभिमान को रेखांकित करती आपकी ये कविता भारत को चिरकाल तक नक्षत्रों में दर्ज करने की कामना करती है। श्रूयंताम मे प्रियम भारतम भुवन मंडल मंडन भूषणम सुविदितं च सुरैरपि याचितं भुवन मंडल मंडन भूषणं सुविदितं च सुरैरपि याचितं ऋषिकुलस्य जनेश्च तपोमयम् लसतु भातु चिरं प्रिय भारतम् हिमगिरे शितशृंग सुरक्षितम् आगम सागर पूजित सुंदरम् सुरपगादि नदी जल सिंचितम् भवतु भूति महोदधि भारतम् लसतु भातु चिरं प्रिय भारतम् शिविदधीचि भगीरथ संस्तुता बसुमती विपुला च वसुंधरा रसरसा धन धान्य समोज्वला भरत भूरिय मार्य समर्चिता लसती। इस संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हिंदी की जानी मानी कवयित्री और गीतकार श्रीमती निवेदिता सक्सेना। मेरा भारत मेरा भारत मेरा भारत चिरकाल तलक चमके नक्षत्र की तरह अलंकार की तरह विश्व मंडल को विभूषित करने वाला विशद और विख्यात देवताओं को ललायित करने वाला ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा
ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत चिरकाल तलक चमके, नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह प्रक्षालित करता है जिसको सादर अगाध सागर, हिमगिर के ऊंचे शिखर रहे रक्षा में हर दम तत्पर, गंगा यमुना गोदा नर्मदा पवित्र पावन नदियाँ खींचे बात सल्य से ये धन धान्य से यूं ही रहे भरा, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह। चरितार्थ यही पर हुई कथा शिवदधीच भागीरथ की है, भरी विपुलता से वसुधा नवरस षड्यस सुंदर सी, ये श्रेष्ठ जनों की भूमि, भूमि है यज्ञ और अर्चन की, इस पूजनीय वसुधा को नमन शत शत वंदन है मेरा, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह। समस्त पृथ्वी एक कुटुंब संदेश विश्व को दे ये दिशा, इसकी विशेषता सकल विश्व है कौतूहल से देख रहा, संस्कृति लोक मंगल मूलक विजयनी मातृभूमि मंगला, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। बस यही प्रजा हितु हेतु तपस्वी साजीवन जीते राजा, यहाँ भोग की जगह योग प्रतिष्ठित सत्य ज्ञान की है रक्षा, ये ही है मेरा भारत विशेष बलिदानों संस्कृतियों से भरा, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह। यही देश है यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है धर्म यहाँ जीवन की धुरी, वचन यहाँ विश्वास है, हाँ वचन यहाँ विश्वास है, हाँ यही वचन की खातिर प्राण न्यौछावर करना शान है, सब सजग रहे कर्तव्य है तो प्रिय भारत मेरा महान है, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। विविधा में एकता
तंत्र है विश्व का, था विश्व गुरु मेरा भारत, फिर विश्व गुरु ही बनेगा। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। गणित कला दर्शन का विश्व को पहले पाठ पढ़ाया, ज्ञान और विज्ञान भक्ति जीवन आधार बनाया। मानवता जहाँ मानव से बड़ी, जन साधारण कुल श्रेष्ठ तरह, ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह। और आखिरी बंद है, जिसका जिसका यशोगान कवि लेखक विद्वान विचारक करते हैं, और सकल धरा के महापुरुष भरिभूर प्रशंसा करते हैं, ये दिव्य भव्य मेरा प्रिय भारत रहे विजयी सदा सर्वदा। ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की पवित्र पावन वसुंधरा, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चमके मेरा भारत, चिरकाल तलक नक्षत्र की तरह, नक्षत्र की तरह। प्रिय भारत मेरा, प्रिय भारत मेरा, प्रिय भारत मेरा, प्रिय भारत। अभी आप 2023 में शामिल संस्कृत भाषा की कविता का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। अनुवादक कवयित्री थी श्रीमती निवेदिता सक्सेना। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।